सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लास्ट नर्सिंग एजुकेशन तो आज हम बात करते हैं लीव फिफ्टी टू के बारे में तो जो हमारी लीव फिफ्टी टू होती है वो क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें हमारी टैबलेट भी आती है और सिरप भी आती है तो जो हमारा लीव फिफ्टी टू डीएस होता है या लिव फिफ्टी टू है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं किस किस बीमारियों में हम इसका उपयोग करते हैं सिरप से या टैबलेट से हम मोटे हो सकते हैं या फिर जो जिम जाते हैं उनके लिए फिफ्टी टू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? है इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो लियो फिफ्टी टू टैबलेट और सीरप होती है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है ये हम क्यों खाते हैं और ये हमारी बॉडी पे कैसे एक्ट करती है इसके बारे में हम जाते उपयोग के बारे में हम बात करते हैं तो अगर हमारी लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है मतलब लीवर की टॉक्सिसिटी हो गई अब जैसे कि अगर हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हमारे लीवर पे एक इफेक्ट डालती है लीवर को खराब करती है तो अगर लीवर हमारा खराब हो रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं लीवर सिरोसिस हो गया है इसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं हमारा लीवर है फैटी हो गया है जैसे बोलते हैं लीवर का साइज बढ़ जाना अगर हमारा लीवर फैटी हो गया है तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं साथ ही साथ ज्वाइंटिस के लिए भी हम उपयोग करते हैं ज्वाइंटिस मतलब पीलिया अगर किसी को पीलिया लिया तो भी हम ये टेबलेट का यूज कर सकते हैं इसके अलावा अदर लीवर की प्रॉब्लम हो जाता फॉर्मेशन हो जाता है व अदर सेल्स डैमेज हो जाती है हमारे लीवर की तो इसमें हम क्या कर सकते हैं लीव फिफ्टी टू टैबलेट का यूज कर सकते हैं ठीक है क्या लीव फिफ्टी टू डी एस जो टैबलेट होती है वो मोटा होने के लिए होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ये टैबलेट हमारी बॉडी का जो लीवर होता है उसकी वर्क से मेटाबॉलिज्म में हेल्प ये डाइजेशन है। में हेल्प करता है डाइजेशन मतलब अगर हम किसी भी खाने को खाते हैं तो अच्छे से डाइजेशन करता है उसका मेटाबॉलिज्म करता है पूरी बॉडी में एनर्जी लाता है ठीक है अगर हमारा लीवर खराब होगा पूरे अच्छे तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और इसके फंक्शन प्रॉपर हो नहीं पाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से इंसान कमजोर होता तो उस तो है बॉडी बिल्डर्स होते हैं इसको वेट गेन के लिए लेते हैं क्योंकि ये क्या करती है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है अगर हमारा तो जो लीवर तो अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलेगी और इससे इंसान क्या होता है अपना वेट गेन कर सकता है वाले लोग होते हैं जो जिम में जाते हैं वो क्या करते हैं प्रोटीन लंबे टाइम तक कंज्यूम करते हैं जिससे क्या होता है उनके प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता तो उसके डाइजेशन में भी हेल्प करता है ठीक है तो ये हमारे प्रोटीन पाउडर के डाइजेशन में भी हेल्प करता है हमारे जो जिम वाले लोग होते हैं इसी तरीके से वेट गेन करते हैं वो अपने लीवर को मेंटेन करके रखते हैं अदर टॉक्सिसिटी जितनी भी होती है उससे बचा के रखते हैं और उस अच्छे से अच्छी एनर्जी लेते हैं जिससे उनका वेट गेन होता है और बॉडी मजबूत बनती है इसलिए बॉडी बिल्डर्स इसका यूज भी करते हैं ठीक है तो ये हमारी जो लियो फिफ्टी टू टैबलेट है इसका यूज बताया है मैंने आपको और लियो फिफ्टी टू के साथ साथ लि फिफ्टी टू डी एस टैबलेट भी आती है तो डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ मतलब जो लियो फिफ्टी टू टैबलेट थी उससे डबल स्ट्रेंथ में ये आई है हमारी उससे थोड़ी दो गुना शक्ति इसमें होती है इसलिए हम इसको लियो फिफ्टी टू डीएस बोलते हैं ठीक है अब ये डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग इसे देता है अगर वैसे तो नॉर्मली हम इसे बी डी लेते हैं मतलब दिन में सुबह शाम ले सकते हैं सुबह ले सकते हैं शाम को ले सकते

हमें भूख नहीं लगती है कमजोरी आती रहती है शरीर पीला पड़ने लगता है उल्टी आ सकती है नोजिया वॉमिटिंग उल्टी जैसा महसूस हो सकता है कमजोरी होगी खाना खाने का मन नहीं करेगा तो ये जो तो चीजें होती है ये जो लक्षण आते हैं हमारे ये हमारे लीवर खराब होने के ही लक्षण होते हैं ठीक है थीके? तो हम इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं लेकिन पहले हम अपने डॉक्टर को सलाह दिक्कत हो रही है उसके बाद ही इस टेबलेट का हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा था कुछ लीवर के बारे में लीवर की टैबलेट के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू